काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मतगणना के दौरान एक रिकॉर्ड बना बगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंदौर की जनता के द्वारा नोटा यानी के उपरोक्त में से कोई नहीं के विकल्प के चुन के नया रिकॉर्ड बना बगा है। नोटा का यहां अब तक के सबसे अधिक मत मिले हमा। वंद क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि लोकसभा चुनाव के काउंटिंग में एक रिकॉर्ड इंदौर के द्वारा एक बार बना बगा है। इंदौर के जनता के द्वारा नोटा के विकल्प चुन के नया रिकॉर्ड बना हुआ। यहाँ नोटा का अब तक के सबसे अधिक मत यानी कि 1,35,095 वोट मिले के रिकॉर्ड बना है। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी का 6,49,278 जबकि नोटा का 1,35,095 वोट मिले। सांसद शंकर लालवानी के द्वारा ये चुनाव में अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ा गया है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में लालवानी 5.5 लाख वोट से आगे रहे। अब तक उनके द्वारा 7 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए गए हैं। बीजेपी के द्वारा इंदौर में 8 लाख से ज्यादा वोटर्स से जीते के दावा किया रहा। बता दें कि देश में नोटा के पक्ष में सर्वाधिक वोट 2019 के बिहार गोपालगंज में रहा है जहां के मतदाता के द्वारा नोटा के पक्ष में 51,607 वोट दिए गए हैं। जिसके बाद अब इंदौर लोकसभा सीट में यह रिकॉर्ड बना है। अब तक के मतदान रिकॉर्ड और रुझान के मद्देनजर ये लग रहा है कि नोटा का मिले वाले वोट 1.5 लाख से ऊपर जा सका था। बता दें कि इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के द्वारा पार्टी का तगड़ा झटका दे के नामांकन वापसी की आखिरी तारीख यानी 29 अप्रैल का अपन पर्चा वापस ले लिया गया रहा। यह प्रत्याशित घटना क्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उनके द्वारा सबका हैरान कर दिया। नाम वापसी के बाद कांग्रेस के द्वारा बस अपील की गई रही कि वो नोटा के बटन दबाए के बीजेपी का सबक सिखावा। सजग रही सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत प्रणाम।